प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपने ही कुत्ते पिटबुल की शिकार हुई 80 साल की बुजुर्ग महिला की मौत के बाद लखनऊ नगर निगम LMC ने पिटबुल डॉग के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की घोषणा की है। बता दें कि मंगलवार को हुई घटना के वक्त नारी शिक्षा निकेतन से रिटायर टीचर सविता त्रिपाठी घर में अकेली थी। जिम ट्रेनर उनका बेटा अमित ट्रेनिंग सेशन के लिए बाहर गया था। सविता की चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों ने अमित को खबर दी और उसे खून से लथपथ अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पालतू लाइसेंस का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलने के बाद LMC अधिकारियों ने घटना की जाँच के आदेश दिए थे। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने कहा, अमित लाइसेंस पेश नहीं कर सका और टीम के साथ बदतमीजी करता था। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए बुधवार को लाइसेंस पेश करने की बात कहकर टीम उनके घर से लौटी। LMC की टीम फिर उनके घर गई, लेकिन पड़ोसियों ने बताया कि परिवार कुत्तों को उसी घर में किराए पर रहने वाले लोगों के पास छोड़कर बाहर गया है। लखनऊ नगर निगम के पशु कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर अरविंद राव ने कहा कि अगर मालिक कुत्तों के लिए पालतू लाइसेंस नहीं देता है, कार्रवाई की जाएगी। इस बीच नगर निगम आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने लोगों को सलाह दी है कि वे अमरीकी पिटबुल, रोटवीलर, साइबेरियन हस्की, डोबमन पिंसर और बॉक्सर जैसे कुत्तों की नस्लों का शिकार करने से बचें, क्योंकि वे क्रूर हो जाते हैं। उन्होंने कहा, कुत्तों को पालतू बनाने से पहले हमें नस्ल की प्रकृति और पर्यावरण पर विचार करना चाहिए जहां वे रहते हैं। विदेशी शिकार नस्लों को हमारे पर्यावरण में समायोजित करना मुश्किल लगता है और हिंसक हो सकता है, इसलिए उन्हें पालतू जानवर के रूप में नहीं रखा जाना चाहिए। गौरतलब है कि लोग कुत्ता तो पाल लेते हैं, लेकिन उसे पालने का नगर निगम से लाइसेंस नहीं बनवाते हैं। इस मामले में नगर निगम भी लापरवाही बरतता है। लखनऊ के अलावा कानपुर समेत प्रदेश के ऐसे दर्जनों शहर हैं जहां बिना लाइसेंस के लोगों ने कुत्ते पाल रखे हैं। आम लोग भी इन कुत्तों का आए दिन शिकार बनते रहते हैं। कुत्ते के काटने से सविता के सिर, चेहरे, पेट और जांघ पर 4 बड़े घाव थे। उनके पेट में 6 सेंटीमीटर गहरा घाव भी था। बताया जा रहा है कि सविता रोज़ अपने दोनों कुत्तों को अपने हाथों से खाना खिलाती थी। उस दिन भी वो सुबह 5 बजे छत पर अपने डॉग को टहला रही थी, तभी उसने उन पर अटैक कर दिया और उनको इतनी बुरी तरह से घायल किया कि उनको बचाया नहीं जा सका। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।